ये देखिए दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, होममेड डाई बनाना आपको मैं सिखाऊंगी। ये बिल्कुल ब्लैक कलर का है, और अगर आपको हमारी रेमेडी या फिर हमारा व्लॉग अच्छा लगता हो तो इसे प्लीज़ फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ताकि वे भी इनका फ़ायदा उठा सके जिनको भी इनकी ज़रूरत हो। और अगर आप हमसे खुश हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर आप FB पर देख रहे हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, FB पर भी हमारा चैनल है, तो आप वहाँ जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हो। बहुत ही कमाल का आज का व्लॉग होने वाला है, और ये देख सकते हो एक टेस्टी सा केक भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको रेसिपी के वीडियो अच्छे लगते हैं, व्लॉग अच्छे लगते हैं, तो लाइक ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे, कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ आज मैं आप सबके साथ क्या शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भी वाइट हेयर हैं बहुत सारे, आप सबको दिख रहे होंगे। ये देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे शीशे में दिखते हैं कि मेरे इस तरफ वाइट हेयर है, यहाँ पर इस तरफ की तरफ, और यहाँ पर भी मुझे कुछ दिखता है, तो आप सबको भी ज़रूर दिखता होगा, ये देखिए। और जिन लोगों ने अभी कमेंट करके पूछा है ना कि लिंक ओपन नहीं हो रही है, तो उसका सलूशन मैं आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्या कारण है क्यों लिंक ओपन नहीं हो रही है। तो आप सब ने वाइट हेयर मेरे देख लिए होंगे, तो चलो अब इनको कैसे कवर करेंगे वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। एक बार देख लो बहुत अच्छी तरीके से, मेरे भी वाइट हेयर हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि वाइट हेयर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप आटा लिया है, ये देख सकते हो, उससे पहले मैंने आपको दिखाया था आटा, और अब मैंने ली है पिसी हुई चीनी। हम यहाँ पर खांड यूज़ करते हैं, ये पूरा एक कप नहीं था, आपने देखा ही है। इसमें मैंने 4 चम्मच के करीब यहाँ पर देसी घी डाला है। देसी घी की रेसिपी अगर आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं बताऊंगी। ये देसी घी जो है मैं हमेशा अपने घर पर ही बनाती हूँ। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप देखोगे कि ये दोनों तीनों चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की है वो अच्छी तरीके से इवन हो गई हैं। अब वही आटा जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था, मैंने उसको प्लेट में रख लिया था निकाल कर। अब छलनी रख कर उस आटे को हम उसमें डाल देंगे, हम मतलब कि हमें इसे छानना है। ये बेकिंग पाउडर डाला है मैंने, उसके बाद हम बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा मैंने कम डाला है 1 चम्मच से, और बेकिंग सोडा 1 चम्मच भर के डाला है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से छान लूँगी। अभी नहीं छान रहा था तो मैंने उठा लिया यहाँ पर एक बड़ी सी चम्मच, और चम्मच से इसको घुमा घुमा कर अच्छी तरीके से मैं छान लेती हूँ। आप बड़ी वाली छलनी ले सकते हो, उससे बहुत आसानी से छन जाता है, क्योंकि मैंने आटा यूज़ किया है, मैदा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो इसका वेस्ट पार्ट निकला है उसको हम साइड कर देंगे। सारी चीज़ें जो ड्राई होती हैं उनको छानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं छानोगे तो जो ये बैटर बनाओगे ना वो उसमें गांठे पड़ सकती है, इसलिए प्लीज़ छान लिया कीजिए। अब मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो मैं इसमें मैंगो प्यूरी डालूंगी। ये मैंने घर पर ही बनाई है, सिंपल मैंगो ले लीजिए, उसको अच्छी तरीके से पीस लीजिए मिक्सी जग में डालकर, और बस मैंने वही लिया है और अच्छी तरीके से पहले इसी को डालकर मिक्स कर लिया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल येलो येलो सा बैटर बन गया है, और एग फ्री हम अंडा बना रहे हैं, मतलब इसमें एग का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दही डाली है, दही लगभग 2-2.5 चम्मच के करीब है। अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल एक सार हो जाए। ऐसा मत करना कि मिक्स नहीं किया और बीच में दूसरी तीसरी चीज़ें आप इसमें डालने लगो। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अगर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत गाढ़ा है तो आप यहाँ पर दूध मिक्स कर सकते हो, अगर बराबर है तो बस कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत गाढ़ा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया दूध डालो, या फिर मैंगो जो मैंने आपको दिखाया है आप मैंगो भी डाल सकते हो। जितना ज़्यादा मैंगो डालोगे उतने अच्छा इसका टेस्ट आएगा, मैंगो की स्मेल आएगी, मैंगो की खुशबू आएगी, और मैंगो का स्वाद आएगा। थोड़ा सा दूध डाला मैंने 1/2 कप के करीब, अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर बीच में बेटी आ गई थी कि मैं इसको घुमाऊँ, मम्मी मैंने बोला ठीक है चलो घुमा लो, अच्छी अच्छा ही है, जब तक मैं दूसरा काम करती हूँ तुम इसे मिक्स कर दो। तो अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद अब हम इसे पकाएंगे किस में, अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में बेक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपना जो कढ़ाई है उसमें बेक करूँगी। मेरा ओवन जो ख़राब हो गया है, ये मैंने ले लिया, इसका बेकिंग की जो ट्रे आती है वो ली है, और उसको मैंने जो देसी घी है उससे ग्रीस कर लिया। अब इसमें सारा बैटर मैंने डाल दिया है, और मैंने गैस पर कढ़ाई जो रखी है पहले से ही उसको गर्म कर लिया है, और बस सिंपली मैं यहाँ पर ढक्कन हटाकर ये जो बैटर है उसमें रख दूँगी। नीचे कोई बर्तन रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहो तो आप बॉटम में थोड़ा सा जो हमारा नमक होता है वो डाल सकते हो। पहले मैं नमक डालती थी, लेकिन अब मैं सीधा बना लेती हूँ। प्लेट ढक दी है और ऊपर से कुछ वेट रख देना, ताकि हवा जो है या इसकी गर्म भाप जो है वो बाहर ना जाए।
अगर गर्म हवा बाहर जाएगी तो इसको बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप अच्छी तरीके से ढक देना और देखो गर्मा गर्म अंदर से भाप निकल रही है ना। अगर इसकी भाप अंदर ही रहेगी तो ये 20 से 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। मेरा 18-19 मिनट में बन गया था, मैंने जब ढक्कन लगाया चेक किया तो आप देख सकते हो टूथ पिक जो है वो बिल्कुल क्लियर निकल रही है, मतलब इसमें कुछ भी चिपका नहीं है। हमारा जो केक है, केक का बैटर जो है वो अच्छी तरीके से पक चुका है। मैंने इसको बाहर निकाल लिया है और चाकू की हेल्प से किनारे किनारे से मैं इसको निकाल लूँगी और बहुत टेस्टी बना था। अगर केक की रेसिपी आपको और भी चाहिए या फिर इसकी पूरी डेकोरेशन चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको पूरा शेयर करूँगा। अब चलो अपने बालों की तरफ चलते हैं, उनको भी तो हमें काला लंबा घना बनाना है। तो यहाँ लोहे का बर्तन ले लिया है, उसमें मैं डालूंगी कॉफ़ी। कॉफ़ी एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके बालों को नेचुरल कलर देने में हेल्प करता है। आंवला लिया है, यहाँ पर मैंने आंवला और एलोवेरा इसी बोतल में मिक्स करके रखा है। ये बोतल मेरी नहीं है, हस्बैंड की है, क्योंकि हस्बैंड आंवला और एलोवेरा इनको पीते हैं। आप भी पी सकते हो, ये बिल्कुल हेल्दी होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके स्किन के लिए, पूरी हेल्थ के लिए, ठीक है। जो मेरी बोतल थी वो मैंने दूसरी साइड में रख दी थी, तो सामने अचानक से यही हाथ में आ गई तो मैंने इसी को उठा लिया। अब यहाँ पर देखो मैंने लगभग 2 चम्मच के करीब ये डाला, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करते करते ही आज की रेमेडी इतनी कमाल की है ना कि आपको उसको घंटों पहले भिगो कर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ओवरनाइट रखने की ज़रूरत है। ऐसी रेमेडी आपको बता रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आज मैं इसमें हीना पाउडर जो मिक्स करूँगी वो बस 2 चम्मच के करीब ही, ऐसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिक्स करूँगी। आप देख सकते हो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लोगे आप तो आप इसको सिर्फ 5 मिनट के बाद ही यूज़ कर सकते हो। 5 मिनट का मैंने इसको रेस्ट देना है और कुछ नहीं। अगर आपको इसको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी डालो और पानी हिलाते हिलाते मिक्स कर लो अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपको दिखेगा कि जो हमने डाई बनाई है वो बिल्कुल काले कलर की चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको इंस्टेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इसको गैस पर रख देना है 1-2 मिनट के लिए, बस इसको हल्का सा बॉयल कर लेना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा करोगे तो बिल्कुल सूख जाएगा और बहुत टाइट हो जाएगा, लेकिन हमें इसको ऐसा रखना है जो हमारे हेयर पर आसानी से अप्लाई हो जाए। तो आप देख सकते हो लगभग 1-2 मिनट के लिए ही मैंने इसको गैस पर रखकर घुमाया है, बस जो इसमें जो गुडनेस थी ताकि वो गुडनेस बाहर निकल कर आए और हम इसे तुरंत यूज़ कर सके। बस 5 मिनट में आपके होममेड नेचुरल तरीके से बनी हुई डाई बनकर तैयार हो जाएगी, और ये नेचुरल तरीके से आपके बालों को काला करेगी, घना करेगी, लंबा करेगी, और एक बात, ये आपके बालों में जो कंडीशनर होता है ना उसका भी काम करेगी। बहुत से लोग आफ्टर शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं, लेकिन हम इतने सालों से कंडीशनर नाम की चीज़ हमारे घर में है ही नहीं, हम सिर्फ मार्केट का शैम्पू यूज़ करते हैं। अब चले इसको हेयर पर अप्लाई कर लेते हैं। ठंडा हो गया था, मैंने इसको छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, गैस पर से उतारा और रखा, ठंडा हो गया, उसके बाद यूज़ करते हैं। देख सकते हो आप कितना गाढ़ा हो गया है। आप यहाँ पर चाहो तो इसे ब्रश की हेल्प से लगा लेना। आज मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि घर पर कुछ गेस्ट आने वाले थे और उसकी वजह से मैंने इसको फटाफट चम्मच से लगा लिया। हालाँकि लगाते लगाते वो बीच में आ गए थे तो मैंने फटाफट कोशिश की कि मैं इसे लगा लूँ। चलिए फिर देखते हैं। मैंने इसको अच्छी तरीके से लगाया क्योंकि मुझे रूट टचअप करना था, मैंने इसको पूरे लेंथ में नहीं लगाया था। आप देख सकते हो इतनी जरा सी मैंने बनाई थी तो मुझे सिर्फ रूट टचअप करना था, क्योंकि मेरे हेयर जो है सामने की तरफ से, फ्रंट की तरफ से 2-4 बाल इधर और 2-4 बाल इधर, मतलब लेफ्ट राइट दोनों तरफ हैं, मतलब गिन के 8-10 हेयर मेरे वाइट हो गए, मुझे उन्हें कवर करना है। लगभग आधे घंटे के बाद मैंने हेयर वॉश कर दिया था। अब देखो कहाँ पर आपको वाइट हेयर दिख रहा है, मुझे भी दिखाना। लगातार यूज़ करोगे, 1 हफ्ते में कम से कम एक बार रूट टचअप ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से मेरी रेमेडी यूज़ करोगे तो आपके भी सफ़ेद बाल गायब हो जाएंगे, और सफ़ेद बाल गायब होकर आपके नेचुरल ब्लैक कलर के बाल आपको भी मिलेंगे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और महीने में कम से कम 4-5 बार इसे नेचुरल हेयर डाई को यूज़ करो, और फिर फीडबैक ज़रूर शेयर कर दिया करो ताकि दूसरे लोग भी समझ जाएँ, उनको भी इसका फ़ायदा मिले और वो भी इंकरेज हो जाएँ कि हमें मार्केट की चीज़ों को बंद करके होममेड चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरे लॉन्ग हेयर हैं, हेल्दी हेयर हैं, शाइनी हेयर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।